मॉर्निंग बच्चों, हम लोग अभी जो 11th का बायोलॉजी देख रहे हैं, इस 11th बायोलॉजी में हम लोग पिछले लेक्चर में विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा था, विटेकर 5 जगत वर्गीकरण। तो विटेकर 5 जगत वर्गीकरण हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने बताया था, इस पर चर्चा हो चुकी थी कि बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक जो अर्थ पर मौजूद जितने सजीव हैं उनको 5 जगत में बांटे थे। पहला मोनेरा, मोनेरा जगत, इसमें सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीव आते हैं, जिसका उदाहरण क्या हुआ, जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल। उसके बाद बहुत बताया गया था के बाद प्रोटिस्टा के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। प्रोटिस्टा के बाद बताया गया होगा कि प्रोटिस्टा में वो सारे सजीव रखे जाते हैं जिनका शरीर एक कोशिका का हो, बना हो, और सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें बताए थे, जिसमें सारे आपको एक कोशिकीय शैवाल इसके उदाहरण हो जाएंगे, अमीबा उसका उदाहरण हो जाएगा, एक उसके सवाल उसका उदाहरण हो जाएगा, और आपको डायटम उदाहरण हो जाएगा, पारामिशियम उदाहरण हो जाएगा, ये सारा युगलीना, ठीक है। ये आपको हो गया प्रोटिस्टा जगत। तीसरा जगत जो था वो फंजाई जगत के बारे में बताया गया था, यानी कि पहला हमने पढ़ा था मोनेरा, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा, और दोनों में खास बात, ये दोनों जगत में खास बात क्या है, इसमें सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सजीव रखे जाते हैं और इसमें सारे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सजीव रखे जाते हैं। तीसरा हमने बताया होगा आप लोगों को फंजाई, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फंजाई में बताया था इसमें सारे बहु कोशिकीय मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सजीव रखे जाते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सजीव रखे जाते हैं। बट एक खास बात है इसमें, इसमें खास बात क्या है बाबू, इसमें खास बात है कि आपको यहां पर क्या कहा जाएगा, इसमें इनके कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ये सारे के सारे कवक जो होते हैं या कवक जगत के जो सजीव होते हैं वो सारे के सारे विषम कोशी होते हैं। इसमें सारा बहु कोशिकीय है, एक अपवाद है ईस्ट, ईस्ट एक ऐसा कवक है जो आपको एक कोशिकीय होता है, बाकी ईस्ट को छोड़कर सारे बहु कोशिकीय कवक होते हैं, और ये सारे के सारे ये विषम कोशी सजीव होते हैं। और ये भी बताए थे कि इनकी जो ये जो हेटरोट्रॉपिज्म होते हैं कई तरह के होते हैं, इसमें से कुछ कवक होते हैं जो जंतु या पौधा के शरीर में रह करके परजीवी के रूप में रहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परजीविता प्रदर्शित करते हैं, और कुछ कवक होते हैं जो सड़े गले मरे हुए पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं, सैप्रोट्रॉपिज्म या सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपघटक का काम करते हैं। ये बात हो गया। चौथा आप लोगों को पढ़ना है, चौथा है किंगडम प्लांटी, चौथा कौन जगत है, प्लांटी जगत। तो प्लांटी जगत में बाबू वो सारा पौधा रखा जाता है प्लांटी जगत में जो क्या हो, प्लांटी जगत में वो सारे सजीव रखे जाते हैं जो मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर मतलब जो मल्टी सेलुलर हो मतलब बहु कोशिकीय हो,
कह रहा है कि प्लांटी जगत में वो सारे सजीव रखे जाते हैं जो बहुकोशिकीय हो या मल्टी सेलुलर हो। उसके बाद क्या हुआ, वो यूकैरियोटिक हो, और खास क्या बात है इनमें, ये ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स मतलब इस जगत के सारे सजीव बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और सारे के सारे सजीव क्या है, स्वपोषी सजीव होते हैं, यानी कि इनके सजीव इनके कोशिका में हरित लौह पाया जाता है जिसके हेल्प से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं, इसलिए सारे के सारे स्वपोषी होते हैं। अब यहाँ भी आप अपवाद देखिएगा कि कुछ कीट पक्षी पौधा होता है, इंसेक्टिवरस प्लांट, जो कीट खा लेता है, जैसे ब्लाडर वर्ट जिसका उदाहरण हुआ, ब्लाडर वर्ट, या कॉमन एक पौधा है जिसका नाम है पीचर प्लांट, पीचर प्लांट यानी पैंथिस का पौधा, ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं, ये सब अपवाद होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अपवाद के रूप में एकाद हैं, जैसे कसकुट्टा का प्लांट, कसकुट्टा अमरवेल, जो कि पैरासाइट रूप में पाया जाता है, वो अपवाद है। तो अपवाद छोड़ करके, एकाद अपवाद छोड़ करके, सारे के सारे बहुपुष्टि होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और स्वपोषी सजीव होते हैं, मतलब प्रकाश विश्लेषण करते हैं। अब इनमें क्या खास बात है, जैसे आप देखिएगा कसकुट्टा है, कसकुट्टा ये पौधा है, लेकिन ये दूसरे रूप में रहता है, बताया था पैरासाइट रूप में रहता है कसकुट्टा। देखिए ब्लाडर वॉर्ट, और पीचर प्लांट, ये तीन खास प्लांट हैं। है तो सारा इसे पौधा कर दूं, लेकिन इनका खास बात है कि आप इनके बारे में पता कीजिए। सबके पास तो मोबाइल है, आप लोग यूट्यूब पर क्लास कर रहे हैं, तो आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए इनके बारे में क्या खास बात है, कसकुट्टा के बारे में, ब्लाडर वर्ट के बारे में, और पीचर प्लांट के बारे में। आप इनका खास बात पढ़िए और जानिए, ये इनमें कुछ खास बात मिलेगा। और क्या होता है बाबू इन इसके अलावा इस किंगडम प्लांटी के जो सजीव हैं इसमें और क्या खास बात आपको देखने का मिलता है, तो इसमें और खास बात आपको मिलेगा कि इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सारे के सारे स्वपोषी होंगे, काय होंगे, इनकी कोशिका में हरित लौह पाया जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना खुद भोजन तैयार करते हैं, जो इस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, बनता है ग्लूकोज के रूप में, बनता है ग्लूकोज के रूप में, जमा होता है स्टार्च के रूप में। आगे बढ़ा जाए, अब थोड़ा सा जैसे कि हम लोग जो देखे प्रकाश संश्लेषण, बार बार आपको मिलेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसको थोड़ा हम लोग देख लें डिटेल से, थोड़ा सा हम लोग को जानना है, क्योंकि जब हम पौधा जगत पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, पौधा जगत के सारे सजीव स्वपोषी हैं, तो काहे हैं, क्या खास बात है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जहां तक बात है बाबू, तो आप देखिए आपसे कोई पूछेगा क्या है प्रकाश संश्लेषण, तो इट इज फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर, इट इज फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इट इज फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट, या पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश विद द हेल्प ऑफ किसके सहायता से, CO2 एंड वाटर,
तो इसको हम क्या कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है जो सूर्य की उपस्थिति में संपन्न होती है और जिसके लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। अब आप लोग फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत अगर पढ़े हुईगा, 10th में आप लोगों को पढ़ना था टॉपिक, पहला चैप्टर 10th के बायोलॉजी में पहला चैप्टर था जैव प्रक्रम था ना, पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसमें उस पहला चैप्टर में पहला टॉपिक मिला होगा न्यूट्रिशन इन लिविंग थिंग्स, सजीवों में पोषण। तो वहाँ भी पढ़े थे स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण, तो वहाँ पढ़े हुईगा तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होता है, लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन। इसे कहते हैं हिंदी में प्रकाशीय अभिक्रिया, इसे कहते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। लाइट में प्रकाश, रिएक्शन में अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन अप्रकाशीय अभिक्रिया। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो पौधा में संपन्न होता है, जो पौधा जगत का खास विशेषता है प्रकाश संश्लेषण करना, जिसके हेल्प से ये स्वपोषी होते हैं, ये 2 चरण में संपन्न होता है। प्रकाश प्रकाशीय अभिक्रिया जो जिसके लिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होना आवश्यक है, और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया, इसके लिए प्रकाश की आपकी सूर्य का प्रकाश होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ 2 बात हम याद कर सकते हैं, इसमें एक घटना होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पहला घटना क्या होता है इसमें, इसमें पहला घटना होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पहला घटना होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसका बाबू माने क्या हुआ, इसका माने हुआ फोटो माने लाइट, लाइट माने प्रकाश, लाइसिस माने होता है टूटना, लाइसिस माने टूटना या ब्रेक डाउन होना, लाइसिस माने टूटना या ब्रेक डाउन। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसमें क्या होता है कि जल के अणु टूटते हैं, ये पहला घटना होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें पहला घटना होता है जल के अणुओं का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना, जल के अणुओं का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना। ये टूटेंगे और यहाँ आपको हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आयन अलग होगा। और क्या खास बात होता है, हमें बस इतना नहीं कि पहला जानना है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणुओं का टूटना ही घटना होता है, और दूसरा घटना होता है इसी अभिक्रिया में ATP। आप लोग सब लोग जानते हुए ATP जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोशिका इसी ATP के रूप में ऊर्जा को स्टोर करके रखती है, कोशिका के अंदर ऊर्जा इसी ATP के रूप में स्टोर रहता है। जब उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ATP के अणु टूटते हैं, और ATP के अणु कैसे टूटेंगे, तो ATP का अणु टूटेगा ADP में और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ATP में प्लस एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ये टूटेगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और साथ साथ बाबू इस प्रक्रिया द्वारा 7600 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 7600 कैलोरी। खैर उससे बस नहीं है, यहाँ क्या है ATP एंड और NADPH2 के अणु बनते हैं, ATP और NADPH2 के अणु बनते हैं, दूसरा घटना होता है। यानी प्रकाशीय क्रिया में पहला होता है जल के अणुओं का प्रकाश पश्चिम टूटना, और दूसरा घटना होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2।
बताए गए प्रकाशीय विक्रिया दो चरण, ये प्रकाश संश्लेषण दो चरण में संपन्न होता है। प्रकाशीय विक्रिया जिसमें दो महत्वपूर्ण घटना होती है, जल की अणु प्रकाश उपस्थिति में टूटते हैं, और दूसरी घटना होती है कि इसी प्रकाशीय विक्रिया में एटीपी और एनएडीपीएच के अणु बनते हैं जो हाई फॉस्फेटिक एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। मतलब ये फॉस्फेटिक कंपाउंड है जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो ऊर्जा से भरे रहते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये एटीपी और एनएडीपीएचटी के अणु बनते हैं। बात समझ में आया? स्लाइड सेक्शन और कह रहे बाबू कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। इसी डार्क रिएक्शन में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि C6H12O6 में फिक्स होता है। बस इतना ही ध्यान देना है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में इसका मतलब क्या हुआ? अप्रकाशीय क्रिया, जिसके लिए प्रकाश का होना कोई आवश्यक नहीं है। वास्तव में इसी डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में। इसी अप्रकाशीय क्रिया या डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फिक्सेशन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन यह प्रक्रिया जो है, इसके लिए ऊर्जा चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहां से मिलता है? ऊर्जा का स्रोत वहां क्या होता है? वही एटीपी और एनएडीपीएच2 जो प्रकाशीय विक्रिया में बनता है। यानी कि प्रकाशीय विक्रिया में जो एटीपी और एनएडीपीएच2 जो ऊर्जा के स्रोत बने हुए हैं, इसी के बदौलत, इसी को खर्च करके अप्रकाशीय विक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। बात समझ में आया? सामने रूम में जाओ आ रहा है। यानी आप ये कहिएगा कि अप्रकाशीय अभिक्रिया होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, अप्रकाशीय अभिक्रिया होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो कहां से आता है? एटीपी और एनएडीपीएच2 से। और ये कब बनते हैं? तो प्रकाशीय अभिक्रिया, यानी डार्क रिएक्शन में जो काम होता है, यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया में जो काम होता है, काम क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में स्थिर होता है, स्थिरीकरण होता है, वो किसके बदौलत? तो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद के बदौलत। मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया में जो मुख्य घटना होती है, वो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद के बदौलत संपन्न होती है। बात समझ में आया? जैसे आपने, आपको खाना बनाना है चावल दाल सब्जी, तो आपने चावल लाया, दाल लाया, सब्जी लाया, उस सबको धोधा के आप तैयार किए, बर्तन रखे, बनाना है आपको, तो आप बनाना है आपको, तो इसलिए आपको क्या चाहिए? गैस चाहिए ना। चावल दाल सब्जी रॉ मटेरियल है आपके पास, बिना गैस का वो बनेगा नहीं? बनेगा। तो गैस चाहिए तब बनेगा। उसी तरह से अप्रकाशीय क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? एटीपी और एनएडीपीएच2 से। और ये एटीपी और एनएडीपीएच2 कहाँ से बने रहते हैं? तो प्रकाशीय अभिक्रिया में बने रहते हैं। ये खास बात है। अब हम चूंकि बार बार जब हम जंतु पौधा में अंतर समझा रहे थे, उसमें हमको याद आया था, बता दिया जाए, तो जो हम बार बार स्वपोषी विषमपोषी स्वपोषी विषमपोषी का बात करेंगे, जैसे हम बताए थे कि मुनरा जगत के भी कुछ जीवाणु होते हैं, मुनरा जगत के कुछ जीव, जैसे सारे के सारे नीलहरी शैवाल, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो सारे के सारे स्वपोषी हैं। कुछ जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं और कुछ विषमपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु जंतु पौधा में रूप उत्पन्न करते हैं तो परजीवी के रूप में रहते हैं,
और वहाँ भी कुछ स्वपोषी होते हैं, यानी मुनरा जगत के जीव भी स्वपोषी विषमपोषी होते हैं, प्लांटी जगत के भी जीव स्वपोषी विषमपोषी होते हैं, कवक जगत के जीव बिल्कुल ही स्वपोषी नहीं होते हैं, टोटली विषमपोषी होते हैं, और पौधा जगत में सारे के सारे स्वपोषी होते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप छोड़कर के। तो हम बार 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 स्वपोषी स्वपोषी जप रहे थे। काहे स्वपोषी होते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। काहे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं? तो उनमें परिणहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके हेल्प से इस सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसके हेल्प से अपना पोषण अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो ये बार बार जो आ रहा था बाबू स्वपोषी विषमपोषी, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चलते स्वपोषी होते हैं, इसको हमने थोड़ा यहाँ समझाया, या नहीं भी हम समझाते तो काम, या नहीं भी समझाते तो बाबू काम चल जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा कि आप लोग सारा चीज़ पढ़ के आए हैं तो थोड़ा रिकैप कर देना जरूरी था। बात समझ आ रहा? ये हो गया प्रकाश संश्लेषण, जिसके चलते यह प्रक्रिया किसमें संपन्न होता है? तो सारे स्वपोषी सजीवों में, सारे स्वपोषी सजीवों में ये घटना प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है प्रक्रिया। और ये दो चरण में होता है, इसमें क्या होता हमने समझा दिया। एक और खास बात, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जितने सजीव हैं उनमें क्लोरोफिल तो पाया ही पाया जाएगा, यानी कि अगर वह क्लोरोफिल वह परिणहरित हमारे कोशिका में भी पाया जाता तो हम भी स्वपोषी होते, लेकिन हम स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि हमारे कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, परिणहरित नहीं पाया जाता, इसलिए हम स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, तुम बाबू पौधा जगत में पढ़ रहे हैं, पौधा जगत में एक और खास बात है कि इनकी कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। पौधा जगत का एक और खास बात है कि पौधा जगत के सारे जीव पौधा कोशिका के बने होंगे, प्लांट सेल के बने होंगे, तो प्लांट सेल का खास बात है कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब एक और बाबू ध्यान देने वाली बात है, कोशिका भित्ति मुनरा जगत के जीव में भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति कवक जगत के जीव में भी पाई जाती है, और कोशिका भित्ति पौधा जगत के जीव में भी पाई जाती है। अंतर है, जो मोनरा जगत के सजीव हैं यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सजीव हैं उनमें कोशिका भित्ति म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड या एन पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन नमक खास रासायनिक बनी होती है, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड किसकी कोशिका भित्ति? जीवाणु की, यानी कि मोनेरा जगत के सजीव की, उनकी कोशिका भित्ति खास रसायन की बनी होती है जो म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड होता है या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, वो अलग चीज होता है। कवक की कोशिका भित्ति एक अलग कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसका नाम है काइटीन। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक सजीव जो मोनेरा जगत के सजीव हैं उनकी कोशिका भित्ति म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जो कवक जगत के सजीव हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटीन की बनी होती है, और जितने यूकैरियोटिक प्लांट जगत के सजीव हैं, जितने यूकैरियोटिक किंगडम प्लांटी के सजीव हैं, जितने यूकैरियोटिक किंगडम प्लांटी के सजीव हैं, जितने यूकैरियोटिक किंगडम प्लांटी के सदस्य हैं उनकी कोशिका भित्ति आपको सेलुलोज की बनी, इनकी कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज नामक रसायन, इनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है, याद रखिएगा। सेल वॉल पाई जाती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। समझ में आ रहा है? ये हो गया, अब थोड़ा एसी कम चलाइए, कम पावर।
हो गया तुम अब चौथा जगह दिख रहे थे जिसका नाम था प्लांटी। चौथा जगत का नाम क्या है? प्लांट। इसको हमने देख लिया। अब बाबू पांचवा जो जगत है हमारा इसका नाम है एनिमालिया। पांचवा जगत का क्या नाम है? एनिमालिया। एनिमालिया ये पांचवा जगत हुआ। इस एनिमालिया जगत में कैसे जीव रखे जाते हैं? तो कह रहा है कि इस एनिमालिया जगत में सारे मल्टी सेलुलर सारे के सारे बहुकोशिकीय जंतु जगत में सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉप्स रखे जाते हैं। सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषम पोषी सजीव रखे जाते हैं इस एनिमालिया जगत। सारा बहुकोशिकीय होगा, यूकैरियोटिक होगा और हेटरोट्रॉप्स होगा, मतलब सारे के सारे विषम पोषी होते हैं। मींस इस जगत के सारे सजीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करेंगे, स्वपोषी सजीवों पर निर्भर करेंगे अपने पोषण। ये सारे के सारे विषम पोषी होंगे। काहे विषम पोषी होंगे? कि इनकी कोशिका में हरित लवक नामक कोशिका का अंग नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? हरित लवक नामक कोशिका का अंग नहीं पाया जाता है, इसलिए सारे विषम पोषी होंगे। और सारे सजीव इस जगत के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड करेंगे अपने पोषण। किस पर डिपेंड करेंगे? प्लांट पर अपने पोषण के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या खास बात है बाबू? कि इनमें सेलवाल नहीं पाया जाता है, इनमें इनके कोशिका में कोशिका भित्ति अब्सेंट होता है, इनके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। खास बात है सारे के सारे विषम पोषी होंगे लेकिन इनका जो पोषण का तरीका होता है वो एनिमल लाइफ होता है न्यूट्रिशन, इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये खास बात है। इनका जो पोषण का तरीका है वो होलोजोइक होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे कहते हैं प्राणी संपोषी पोषण। क्या कहते हैं इसे? प्राणी संपोषी पोषण। इनका जो पोषण का तरीका होता है उसे कहा जाता है प्राणी संपोषी पोषण, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये अपने भोजन को निगलते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, निगलने के बाद ये अपने भोजन को निगलते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर अवशोषण होता है, श्वांगीकरण होता है, तब जाकर के पोषण होता है। यानी कि ये जो प्राणी संपोषी पोषण है ये खास पोषण का तरीका है, प्राणी संपोषी पोषण, इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये खास पोषण का तरीका है जो जंतु जगत के जीवन में होता है। ठीक है, तो ये जंतु जगत के जीवन। और
अब कह रहा है ये जंतु जगत के जीव भी, अब आप जब इसको बांटिएगा पढ़िएगा तो अब जंतु जगत के जो जीव भी है इनको कई फाइलम में बांटा गया है। जैसे पोरिफेरा, वैसे एनिमल इनके पूरे शरीर पर पोर पाया जाता है, जिसका एग्जांपल स्पंज हुआ, ठीक है। तो स्पंज स्पंज जो है वो पोरिफेरा संघ का फाइलम का एनिमल हुआ स्पंज, जिसके शरीर पर नाम है पोरिफेरा, शरीर पर चारों तरफ से छिद्र पाया जाता है। खास बात, इनके शरीर कोशिका स्तर के बने होते हैं, मतलब इनके शरीर में इनका शरीर बहुत सारे कोशिका का बना होगा, लेकिन इसमें ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें बहुत सारे कोशिका मिलकर इनका शरीर बनाते हैं, अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है, अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है। तो ये हो गए स्पंज, इनसे विकसित होते हैं हाइड्रा, नाम सुने हुइएगा आप हाइड्रा। ये सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, ये टिश्यू लेवल के, माने इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, इनका टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है हाइड्रा का। यानी कि हाइड्रा में कोशिका के समूह अलग अलग मिल करके ऊतक बनाते हैं, और इनमें जैसे स्पंज में अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है, उसी तरह से हाइड्रा में अलग अलग ऊतक मिलकर अलग अलग काम करता है। तो इनका शरीर कोशिकीय स्तर का है, इनका शरीर ऊतक स्तर का है। फिर इससे विकसित होता है बाबू एक वर्ष राउंड वर्ल्ड, ये सब इनसे विकसित होते हैं। इनके शरीर अंग स्तर के होते हैं, टेप वर्म का, राउंड वर्म का, अंतंत्र स्तर का। फिर आगे देखिएगा तो अर्थ वर्म, अर्थ वर्म मतलब हो गया केंचुआ, एनिलिडा वर्ग से आता है। तो इनका शरीर, जैसे इनका शरीर हो गया अंग स्तर का, ऑर्गन लेवल का, इसमें क्या हुआ कि अलग अलग उत्तक, इसमें जो राउंड वर्म है उनमें क्या होता है कि अलग अलग बाबू उत्तकों का समूह मिलकर के अलग अलग अंग बनाएगा, और अलग अलग अंग काम करता है शरीर में। विशेषकर अर्थ वर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, अंगतंत्र स्तर का सचिव है, इसमें अंगों के समूह से अंगतंत्र बनते हैं, और अलग अलग अंगतंत्र अलग अलग काम करते हैं। अब यहाँ के बाद से अलग ही राउंड वर्म जो है, इसे कहते हैं गोल कृमि, राउंड वर्म से ही शुरू हो जाता है, राउंड वर्म या गोल कृमि। तो यहीं से शुरू हो जाता है आपका क्या अंतंत्र। फिर अब अर्थ वर्म के बाद आप देखिएगा जैसे कॉकरोच की चट्टा, तो अर्थ कॉकरोच जो है की चट्टा, ये अर्थ वर्म से भी विकसित है, इसका शरीर अंतंत्र स्तर का बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा तो अब इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, तो फीस है, फीस है, फ्रॉग है, मछली, मेंढक। फिर आप आगे जाइएगा तो फिर काऊ, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल है, ये आपको अलग चैप्टर पढ़ना है, किंगडम एनिमालिया एक अलग चैप्टर है। मतलब ये जो आपका जो चौथा और पांचवा है, ये आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर फोर अलग से पढ़ना है, क्रांति अलग से, डिटेल में पढ़ना है, अलग अलग क्लास का, और एनिमालिया का भी अलग अलग क्लास पढ़ना है, ठीक है। उसको आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।